अरे आप तो वही महान वैज्ञानिक है जिनका मैं तहे दिल से आदर करता हूँ। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो क्या इसलिए कि मैं ऐसा दिखता हूँ? इसकी वजह ये है कि मैं खुद को ऐसा दिखा रहा हूँ। इस आध्यात्मिक दुनिया में हमें हमारी नश्वर छवि को दिखाने की जरूरत नहीं होती। तुम ये कह सकते हो कि मैं एक रोशन चीज हूँ जिसे फिजिक्स में कुशलता हासिल है। आठवें आयाम तथागत क्षेत्र में मेरे जैसे ही करीब 500 हस्तियां हैं, पर तुम हमारी गिनती नश्वर अंकों के आधार पर बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों, ये इसलिए है क्योंकि मैं कई अंकों में बढ़ सकता हूँ। एक ही अनेक है और अनेक है एक, यही है आठवें आयाम तथागत क्षेत्र का ज्ञान बोध। हम लोग चीजों को वैसे नहीं मापते जैसे तुम मापते हो। यहां पर वक्त को मापने का भी कोई पैमाना नहीं है। यह आत्मा की दुनिया में हमारे पास वक्त का कोई रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक ही है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब एक ही है? आसान शब्दों में कहूं तो देखो, इस गोल कांच के बर्तन में तीन गोल्ड फिश तैर रही हैं, जो है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तीनों इसी गोल बर्तन में इधर उधर घूमती रहती हैं। मैं अपना ध्यान भूतकाल पर लगाकर वहां जा सकता हूं। या भविष्य में अगर यहां रहना हो तो। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसी सिद्धांत के मुताबिक मैं ये सोच रहा हूं कि 30वीं सदी में पैदा होकर एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश करूं और उसमें सफल हो जाऊं। समझ गए तुम? ये सब उस बात पर निर्भर होगा कि तुम किसे सत्य मानते हो। ये सांसारिक दुनिया पल दो पल ही है। आत्मा की दुनिया ही असली दुनिया है, पर ये आत्मा की दुनिया भी अस्थाई है। हर एक दशा दरअसल शाश्वत बुद्ध का मन का आईना है। बच्चों, शाश्वत बुद्ध का मन? हाँ, शाश्वत बुद्ध के मन के बिना ये ब्रह्मांड और आत्मा की दुनिया एकदम गायब ही हो जाएगी। फिर भी ये दुनिया एकदम अडिग रहेगी। बहुत ही दिलचस्प बात है ये, है ना? शाश्वत बुद्ध ने ये दुनिया आखिर बनाई ही क्यों? शाश्वत बुद्ध ने ये दुनिया क्यों बनाई होगी, इसका कारण बदकिस्मती से इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम। बच्चों, ये खुद मेरे लिए एक रहस्य है। अगर इसका कोई जवाब है तो मेरे ख्याल से वो होगा नौवां आयामी ब्रह्मांड क्षेत्र। गॉडईगल, पैट्रिक और रोबर्टो को दुष्ट आत्माएं अपने साथ ले गई हैं। हमें किसी तरह उन्हें बचाना होगा। रियुटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ?